तो हाय गाइस, वेलकम टू न्यू व्यू चैनल। और आज के वीडियो में हम जो है वीवो Y20T के चार्जिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये फ़ोन कितने देर में फुल चार्ज होता है। यहाँ पे इस फ़ोन में आपको 5000 mAh बैटरी मिलती है विद 18W चार्जिंग सपोर्ट, और इनबॉक्स जो है अडेप्टर आपको 18W का ही मिलता है। ये फ़ोन जो है 5000 mAh बैटरी के साथ आता है, तो देखते हैं कितने देर में चार्ज होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। यहाँ पे जो है ये जो अडेप्टर है वो इनबॉक्स ही आपको मिलता है, जो आप देख सकते हो 18W अडेप्टर है ये, और वीवो का ही है। 9V 2A जो है इसमें आपको देखने को मिलता है पावर रेटिंग। इस फ़ोन के साथ आपको माइक्रो USB केबल देखने को मिलती है जो कि इनबॉक्स मिलता है। टाइप सी पोर्ट जो है होना चाहिए था इस फ़ोन में, और टाइप सी केबल भी, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये फ़ोन आता है उस सेगमेंट में आपको टाइप सी मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको इसी चार्जिंग का जो है सपोर्ट मिलता है जिससे हम करके दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे लगा देते हैं इसको चार्जिंग पे, और टाइमर मैंने साथ ही साथ लगा दिया है। तो एक बार चार्जिंग पे लगाने के बाद मैंने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया। देखते हैं कितने फ़ोन देर में ये फ़ोन चार्ज होता है। तो वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्ड रहेगी, मैं बीच बीच में आपको दिखाता रहूँगा कितने टाइम के बाद ये जो है कितने परसेंटेज पे पहुँचा है। तो वाईफाई को बंद कर देते हैं और जो ब्राइटनेस है उसको मिड पे रख देते हैं। तो स्टार्टिंग आप देख सकते हो 29% से मैंने की है यहाँ पे, और जो है क्योंकि मिड लेवल से ही लोग चार्जिंग करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो पे जब फ़ोन हो जाता है कोई भी वहाँ से चार्जिंग स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में फ़ोन काफ़ी स्पीड से चार्ज होता है। जब तक ये चार्जिंग टेस्ट हो रहा है उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वॉच है ये आप देख सकते हो नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 है। इसका ऑलरेडी मैंने चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, यहाँ पे अनबॉक्सिंग वीडियो, रिव्यू वीडियो, और इसके वॉच फेसेस के ऊपर भी वीडियो बनाए हैं। तो अगर आपको देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काफ़ी सही वॉच है ये। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो 6 मिनट से ऊपर का लगभग टाइम हो चुका है, यहाँ पे 35% पे फ़ोन आ चुका है, और जो है यहाँ पे चार्जिंग जो है स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे काफ़ी फास्ट होती है। तो आप देख सकते हो कि 6 मिनट में जो है लगभग 6 से 7% जो है बढ़ चुका है। तो 18W चार्जिंग जो है वो ठीक ठाक जो है चार्ज कर रहा है फ़ोन को, और डुअल इंजन चार्जिंग सपोर्ट है इसमें जो कि वीवो की टेक्नोलॉजी है। बारह मिनट के बाद लगभग फ़ोन जो है 42% पे पहुंच चुका है, और फ़ोन की जो चार्जिंग स्पीड है वो आप देख सकते हो जो है ठीक ठाक फ़ोन चार्ज कर रहा है। 10 मिनट बाद फ़ोन जो है 53% पे पहुंच चुका था, और यहाँ पे जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो होने लगी है। जैसे कि पहले जो है फ़ोन काफ़ी स्पीड से चार्ज हो रहा था, अभी जो है थोड़ा स्लो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 40 मिनट बाद फ़ोन जो है 73% पे आ चुका था, और 40 मिनट मीन्स जो है काफ़ी अब जो है स्पीड थोड़ी धीरे हो रही है जिससे कि फ़ोन हीट ज़्यादा ना हो। तो ये जो है एक टेक्नोलॉजी होती है कि फ़ोन को पहले स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे काफ़ी स्पीड से चार्ज करो, और उसके बाद जब 70% तक फ़ोन चार्ज हो जाए उसके बाद फ़ोन को थोड़ा स्लोली चार्ज कर दें जिससे कि डिवाइस हीटअप नहीं होता। तो 100% तक पहुँचते फ़ोन की जो हीटनेस होगी या हीटिंग इशू होगी वो कम हो जाएगी। 51 मिनट्स के बाद फ़ोन जो है 82% चार्ज हो चुका था। तो मैं अगर आपको बताऊं तो लगभग आपको 1 घंटे में ये जो है 70% चार्ज करके दे देगा फ़ोन को, जितना कि ये जिस स्पीड से चार्ज कर रहा है। जो 54 मिनट्स बाद यहाँ पे 84% पे डिवाइस पहुँच चुका था, तो मैंने जो है यहाँ पे यही चार्जिंग को रोक दिया, और चार्जिंग स्पीड जो है यहाँ पे स्लो हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी स्लोली जो है चार्जिंग बढ़ रहा था। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी ना करते हुए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 1.5 घंटे के आसपास आपको इस फ़ोन को चार्ज करने में लगेंगे जिससे कि ये बैटरी फुल चार्ज कर देगा, और अगर आप 2 घंटे लगाएंगे तो आपको जो है 100% मिल जाएगा चार्जिंग, क्योंकि यहाँ पे 80% हो चुका है। तो यही था वीवो Y20T का चार्जिंग टेस्ट। कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बता सकते हैं आप मेरे को कमेंट्स में और वीडियो के टॉपिक्स। तो मैं बता सकती अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।